अस्सलाम वालेकुम आईटी फैमिली, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज ईद का फोर्थ डे है और हम लोग जा रहे हैं कहीं बाहर घूमने, तो वो मैं आगे व्लॉग शूट करूँगी तो आपको बताऊँगी हम कहाँ गए। और अभी मैं जो कपड़े पहन रही हूँ वो ये वाले हैं, बटरफ्लाई वाले, मैंने आपको दिखाए थे। तो मैंने आज ये डिसाइड किया मैं ये पहन लेती हूँ, और ये तो मेरा ड्यूटरिन है तो ये मैंने कपड़े निकाल लिए। मैं जल्दी से पहन के तैयार हो गया, फिर जब निकलूँगी तो बाकी का व्लॉग आगे शूट करूँगी, फिर आपको इंशाल्लाह वो सारा जो भी हम करेंगे एक्टिविटीज़ वहाँ पे सब दिखाऊंगी। तो जी गाइज, मैं रेडी हो चुकी हूँ और ये आप देख सकते हैं कि मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैंने ये वाले कपड़े पहन लिए हैं जो कि बहुत अच्छे लग रहे हैं। और यही चूड़ियाँ मैंने यही पहनी हैं, ठीक है, इसके साथ स्लिपर्स यही वाली हैं, ये देख लीजिए। और ये मेरा ब्रेसलेट है। और ओवरऑल लुक तो मैं आपको नहीं दिखा सकती, मतलब चेहरा वेहरा, लेकिन वैसे हम देख लें, थोड़ा सा शीशा भी सामने से ख़राब हो रहा है। ये हम रेडी हो चुके हैं और ये रहा मेरा दुपट्टा जो कि मुझे पहनना है, ठीक है, फिर वहाँ जाके आपके साथ मिलती हूँ। तो जी हम निकल चुके हैं जाने के लिए और रास्ते में हैं, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। ट्रैफिक पार करके हम निकल चुके हैं और अब जहाँ हम जा रहे हैं अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँचने वाले हैं। अंधेरा बहुत हो रहा है, हम छोड़ने आए थे भाई, अस्सलाम वालेकुम कह दो। हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं और हम आए हैं मरहबा। तो जी इसके बाद जो है वो मैंने वीडियो में वॉइस ओवर स्टार्ट कर दिया, क्योंकि इसके बाद जो वीडियो में काफ़ी ज़्यादा शोर है, इस वजह से मैंने कहा कि वॉइस ओवर दे देती हूँ। तो ये हम लोग जो है वो नीचे वाले पोर्शन में थे मरहबा पे, और यहाँ से हम थोड़ी बहुत चीज़ें लेनी थी वो ली थी, और उसके बाद हम ऊपर चले गए थे और ऊपर बहुत ज़्यादा क्राउड था, काफ़ी शोर था, तो आपको आवाज़ क्लियर नहीं आएगी। तो मैंने सोचा कि यहाँ से जो है मैं इसमें वीडियो में वॉइस ओवर कर दूँ। तो ये ईद के चौथे दिन का वीडियो है जो कि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी होने की वजह से डाल नहीं सकी, क्योंकि आपको पता है कि ईद की छुट्टियां ख़त्म होते ही जॉब स्टार्ट हो जाती है और फिर काम, सुबह काम शाम काम, तो इस वजह से टाइम बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है। और जैसे कि पेपर्स स्टार्ट हो गए बच्चों के, तो उसमें मैं भी जाहिर है बिज़ी हूँ एज अ टीचर, तो इस वजह से बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा। तो मैंने सोचा कि आज इसमें वॉइस ओवर करके आप तक ये व्लॉग पहुँचा दूँ। ईद पर तो कंटिन्यू व्लॉगिंग कर ली थी, लेकिन अभी थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो इंशाल्लाह इसके बाद भी आते ही रहेंगे। यहाँ से हमें हैंड वॉश भी लेने थे और मैगी वगैरह लेनी थी बच्चों के लिए, तो बस ज़्यादा सामान नहीं, थोड़ा बहुत ही लिया था। मेन मकसद ये था कि बच्चों को जो है वो ऊपर ले जाकर जो इनका प्ले एरिया है वहाँ पर गेम्स वगैरह खेल लें, और वो जो अंदर एरिया है जहाँ पर जंपिंग वगैरह कर सकते हैं तो वहाँ जाके वो आराम से इंजॉय कर लें, इसी पर्पज़ से हम यहाँ गए थे। लेकिन फिर हमने कहा कि नीचे ग्रॉसरी है तो थोड़ी बहुत करनी थी शॉपिंग, तो वो भी कर ली, और ये हवा हम ऊपर आ गए। स्टार्ट में इसे ईद मुबारक लिखा हुआ था, तो अब मैं एंटर हो रही हूँ अंदर। तो यहाँ पर बच्चों का जो क्लोथिंग एरिया है जहाँ पे बच्चों के कपड़े वपड़े मिलते हैं वो भी यहीं हैं, और क्या कहते हैं प्ले एरिया भी पूरा वहीं पर ही बना हुआ है। अगर आप लोग मरहबा गए हैं जो उनको पता होगा, तो बस यहाँ पर मैंने बच्चों के अंदर जाने के टिकट्स ले लिए हैं, और यहाँ पे ये अपने जो है वो शूज़ वगैरह रख सकते हैं। यहाँ पे इस तरीके से छोटे छोटे से बॉक्सेस बने हुए हैं, आप यहाँ पर अपने जो हैं वो शूज़ बच्चों के रखवा सकते हैं, और सॉक्स ज़रूर ले जाया करें बच्चों के, वरना फिर सॉक्स के चार्जेस अलग होते हैं, मिल जाते हैं।
तो हम लोग तो लेकर गए थे, फिर इन्होंने सॉक्स पहन लिए थे शूज़ उतार के, तो इनको जंपिंग करने में इजी रहता है। बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बच्चों को भी बहुत गर्मी लग रही थी, और इस बार मैं अंदर नहीं गई थी क्योंकि अंदर ऑलरेडी काफ़ी क्राउड था, तो मैंने बाहर से ही जो है वो शूट कर लिया था और बच्चों को मैंने अंदर भेज दिया था। और हम लोग जाके सामने कैफ़े है बना हुआ इसके सामने, वहाँ बैठ गए थे। लेकिन पहले हमने थोड़ी शॉपिंग की थी, हमें बच्चों के लिए नाइट सूट्स लेने थे, तो पहले हमने सामने से वो देखे थे, एक का मिल गया था, एक का नहीं मिला था, और एक दो शर्ट्स लेनी थी वो ली थी। उसके बाद जो है वो हम लोग कॉर्नर में ही इनका छोटा मोटा कैफ़े बना हुआ है वहाँ जाकर बैठ गए थे। वहाँ पर भी जगह नहीं थी, चेयर्स वगैरह नहीं थी, फैमिलीज़ बहुत ज़्यादा थी, लेकिन ये है कि हमें ईजीली मिल गई थी। तो बस अभी मैं यहाँ इस एरिया में आ गई हूँ। यहाँ पर भी शूट करना बड़ा मुश्किल था, हर किसी की नज़र आप पर ही थी कि मोबाइल रख दें, ये कर दें, वो कर दें। एटलीस्ट शूटिंग की परमिशन देनी चाहिए, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो बस अभी हमने यहाँ से शॉपिंग स्टार्ट कर दी है और कर भी ली है, बस काउंटर पे खड़े हुए और इसका बिल करवा रहे। उसके बाद जो है वो हम कैफ़े में जाके बैठ जाएंगे और उसके बाद बताती हूँ हमने वहाँ क्या क्या किया। मैं तो एक मिनट भी नहीं बैठी थी, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ करने जा रही थी, बच्चों के पास भी बार बार जा रही थी, और जब वहाँ जा रही थी तो बेचारे पसीने पसीने में हो रहे थे और उनको पानी चाहिए था, तो फिर उनके लिए पानी की बॉटल खरीद कर लेकर गई थी। तो यहाँ पर देख लें, ये पूरा ऐसा कैफेटेरिया बना हुआ है और उसमें ये दही भल्ले, फ्रूट चाट, गोलगप्पे वगैरह मिल रहे थे, जिसमें से ना दही भल्ले मिले ना फ्रूट चाट मिली क्योंकि वो ख़त्म हो चुकी थी, सिर्फ दही भल्ले वो थे गोलगप्पे। तो मैंने अम्मी को जाके बताया था कि अगर खाने हैं तो, वैसे मैं पॉपकॉर्न लेकर जा रही हूँ अभी फ़िलहाल, तो ये पॉपकॉर्न तो मैं ले गई हूँ, ये हम खा रहे हैं। और उसके बाद जो है फिर मैं एक गोलगप्पे की प्लेट भी ले आई थी, तो वो भी हमने इंजॉय की थी। और मैं ऊपर से भी आपको ये पूरा एरिया दिखा रही हूँ, हम कैफ़े में बैठे थे तो सामने ये ग्लास लगा हुआ था, तो इस मिरर से सब कुछ नीचे का दिख रहा था, तो मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया था, तो ये भी आप देख सकते हैं। और इस दिन भी मज़ा आया था, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी और रश हर जगह बहुत ज़्यादा था। फोर्थ डे था क्योंकि लास्ट डे था बच्चों की छुट्टियों का, तो इस वजह से आई थिंक ज़्यादा रश हो रहा था। और ये मैं गोलगप्पों की प्लेट भी लेकर आ गई हूँ। और हमें खाना खाने के लिए कहीं पर भी जो है वो जगह नहीं मिल रही थी। जब हम मरहबा में ऊपर गए, ऊपर की तरफ जहाँ पर इनका खाने का है सारा रूफटॉप पे, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश था, बाहर तक फैमिलीज़ बैठी हुई थी, तो वहाँ तो हम खाने के लिए नहीं रुके क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं था। ऑलरेडी 10:30 हो रहे थे, 10:30-11, और इतनी देर रुक कर फिर आप समझ लें 2-3 बज जाते अगर हम ज़्यादा देर रुकते, क्योंकि काफ़ी फैमिलीज़ थी। तो फिर हमने डिसाइड किया कि हमें यहाँ खाना नहीं खाना, हम यहाँ से कहीं और जाएंगे। तो बस अभी मैं सबके लिए चाय ले आई हूँ और हम चाय इंजॉय करें। चाय पीने के बाद मैं बच्चों को बाहर लेकर आऊँगी, और उनको जो है वो बाहर आने के बाद भी बाहर वाले गेम्स खेलने थे जो बाइक वगैरह पे बैठकर ये खेलते हैं ना, तो मैंने वो तो मना कर दिए थे। फिर इनको ये पानी वाला जिसमें पानी बोट चलाते हैं ना पानी में, तो उन्होंने कहा कि हमें ये करवा दो एक बस लास्ट गेम, तो फिर मैंने इसके टिकट दिलवा दिए थे और वहाँ पर हमने बोटिंग इनको करवा दी थी। और इस सब के बीच में जो है वो एक सीन हो गया था, आप ही की स्लीपर जो है वो टूट गई थी इतनी रश में चल चल के, तो फिर हमने यहीं से इनके लिए नई स्लीपर्स ली थी जो कि आप देख रहे हैं ये सिल्वर वाली जो है, और ये काफ़ी महंगी थी, 2400 की थी, जो कि हमें बैठे बिठाए आराम से, क्योंकि जाहिर है अब वो टूटी हुई जूती तो बंदा पहन कर चलेगा नहीं, जबकि रिसेंटली ईद पर न्यू ली थी और न्यू पहनी थी और वो एकदम निकल गई। तो बस यहाँ पर मैं बच्चों के पास आई हूँ इनको ले जाने के लिए कि भाई आ जाओ बाहर, और ताकि हम आगे की तरफ चलें। तो बस इनको बाहर लेकर आकर हम लोग जो है वो इनको एक दफ़ा बोटिंग करवा के ऊपर की तरफ जाएंगे। वहाँ पे भी मैंने हल्का सा क्लिप बना लिया था क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा थे, तो इसलिए मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया था। और मुझे आप लोगों से ये कहना है कि इन सब वीडियोस के अलावा ये कहना है कि आप लोग जो है वो इतना प्यार दे रहे हो मेरे वीडियोज़ को, इतना ज़्यादा व्यूज़ दे रहे हो, लाइक कर रहे हो, कॉमेंट्स कर रहे हो, और अब अल्हम्दुलिल्लाह सब्सक्राइबर भी थोड़े थोड़े करके इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो मेरी बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जैसे अभी तक आप प्यार दे रहे हो, आगे भी ऐसे ही मुझे प्यार देते रहो, मेरे चैनल को देखते रहो, मेरे वीडियोस को देखते रहो, और अच्छे अच्छे से कमेंट्स, लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहो। ईद के व्लॉग्स बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने देखे, मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसा नहीं कहूँगी कि 1000 व्यूज़ आए, लेकिन यह है कि 1000 नहीं आए लेकिन एकदम 100 या 200 लोगों ने देखा, तो वो भी मेरे लिए एक अचीवमेंट है। तो यहाँ देख लीजिए ये वाली बोट्स हैं जिसमें हम बच्चों को लेकर आए थे, और ये लोग अभी हमारे बच्चे बैठेंगे, अभी ये दूसरे बच्चे बैठे हुए, इनका टाइम ख़त्म होगा फिर हमारे बच्चे बैठेंगे। और 100 रुपीज़ का इनका टिकट था, और वहाँ जो हमने अंदर इनको जंपिंग वगैरह के लिए छोड़ा था वहाँ पर जो है वो दो बच्चों के 500 लिए थे आई थिंक टिकट के पैसे।
तो इस तरीके से था। और ये अभी हम यहाँ से इनको करवा के ऊपर की तरफ चले गए थे, तो वहाँ पर तो रश था, तो फिर हम लोगों जो है वो खाना खजाना गए थे, वहाँ पर भी रश था, वहाँ का तो जनरेटर भी ख़राब हो गया था और वहाँ बाहर रोड तक फैमिलीज खड़ी हुई थी वेटिंग में, तो हमने कहा वहाँ पर भी नहीं खाते। फिर हम सारी जगह घूम घाम के पूरा हैदराबाद हम लोग आ गए थे अल रहीम रेस्टोरेंट, और यहाँ पे फिर हमने डिसाइड किया कि खाना खाते हैं, और यहाँ पे इत्तेफाक से हमें जगह भी मिल गई थी। तो बस अभी हम लोग मेन्यू डिसाइड कर रहे हैं और आहिस्ते आहिस्ते हमारा खाना आता जाएगा। मैं आपको बताती चाहूँगी हमने क्या क्या मंगवाया था। वैसे काफ़ी एक दो तीन चीज़ें तो आ गई हैं, तो हमने रायता ऑर्डर किया था, फ्रेंच फ्राइज़ ऑर्डर किए थे, और ये गोला कबाब मंगाए थे, चिकन रेशमी पराठे मंगाए थे, चाउमिन मंगाई थी, राइस और मंचूरियन, वेजिटेबल फ्राइड राइस और मंचूरियन मंगाए थे। तो अभी हमारा मंचूरियन आने वाला है, वो जैसे ही आएगा तो उसका क्लिप भी मैं शेयर कर दूँगी। और ये बच्चों को स्माइली बना के फ्रेंच फ्राइज़ दे दूँगी ताकि ये इन्जॉय करके खाएं, और अल्लाह का शुक्र है कि खाने के लिए जगह मिल गई थी यहाँ पर, वरना तो हम लोग बहुत ज़्यादा ख्वार होने के बाद घर पर ही वापस आते, क्योंकि अच्छा खासा तो रक्षों का किराया लग गया था इधर से उधर इधर से उधर। आपको पता ईद पर तो और भी ज़्यादा, अभी पेट्रोल के भी वजह से काफ़ी ज़्यादा पैसे बढ़ गए हर चीज़ में, तो बस इस वजह से जो है वो ये सारे मसले हुए। लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ खाना वाना खा के आराम से फिर हम घर चले गए थे बच्चों को लेकर, और फिर घर पर आकर चेंज वेंज करके सब ने आराम किया क्योंकि सब लोग काफ़ी थक गए थे। तो यही हमारी जो है वो 4 डे की एक्टिविटी रही। हम ईद के 3 दिन बाहर नहीं निकले, लेकिन जब हम 4 डे निकले तब भी मुझे ये हुआ कि हमें निकलना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि वही बहुत रश था और बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो बस अपना ख्याल रखें, गर्मियाँ आ गई हैं, और इस वीडियो को भी बहुत सारा प्यार दीजिएगा और अच्छे अच्छे से कमेंट कीजिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने व्हाट्सएप पर भी शेयर कर दिया करें। और अगर आप और भी इसी तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं, आप मुझे गाइड करें कि आपको कैसे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं, तो मैं उसी तरह के व्लॉग्स बनाऊंगी। और अभी थोड़ा मैं ऑन ऑफ रहूँगी क्योंकि इस मंथ थोड़ा मैं बिज़ी हूँ, लेकिन इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ चलती रहूँगी, बनी रहूँगी, कुछ ना कुछ चैनल पर आता रहेगा। तो चैनल को जो है वो देखते रहें, और जिन बच्चों के पेपर्स स्टार्ट हो गए हैं उनको बेस्ट ऑफ लक, और जिनके स्टार्ट होने वाले हैं उनको भी बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से पेपर कीजिए, अच्छे से तैयारी करके दीजिए, फाइनल एग्ज़ाम्स हैं इंशाल्लाह, फिर आपने आगे क्लास में जाना है, तो अच्छे अच्छे से सारा पढ़ें और अच्छे से पेपर दें ताकि फिर आप आगे जो है वो अच्छे मार्क्स के साथ मूव करें, और आपको अच्छी खासी छुट्टियां भी मिलने वाली हैं। तो ये देख लीजिए हमारा सिज़लर आ गया है मंचूरियन, तो ये हम इस तरीके से, ये काफ़ी ज़्यादा धुआं और तेज़ धड़कता भड़कता हुआ आया था, लेकिन ये कि मज़े का था, ये बहुत यम्मी था, और मुझे तो कबाब पराठा भी बहुत पसंद है तो मैंने वही खाया था। तो बस मैं बच्चों से ये कहूँगी कि आगे आप लोगों की एटलीस्ट समझ लें 3 महीने की ऑफ़ हो रही है या 2.5 महीने की ऑफ़ हो रही है, तो वो टाइम वेस्ट ना करें कि बस छुट्टियाँ हैं तो सोना है, खाना है, मोबाइल यूज़ करना है। कोई ना कोई ऐसा कोर्स या कोई ना कोई एक ऐसी एक्टिविटी जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो आप सीख सकते हैं, कोई भी ऐसा काम या कोई कोर्स कर लें, लैंग्वेज का कर लें, कंप्यूटर का कर लें, आईटी से रिलेटेड कर लें। ये 2 महीनों को वेस्ट ना करें, अपने लिए कोई ना कोई एक्टिविटी ढूंढ के रखें जो कि आप इसमें भी बिज़ी रहें, कुछ सीख लें, क्योंकि घर में बैठे बैठे और फिर रात में देर देर से सोना, सुबह देर से उठना, ये वाली प्लीज़ रूटीन मत बनाइएगा। अपने आप को एक्टिव रखिएगा और अपने लिए कोई ऐसी एक्टिविटी डिसाइड कर लेना कि जिससे छुट्टियां जो है वो आपकी वेस्ट ना जाए, आप कुछ अच्छा सीख लें, कोई कोर्स कर लें, सर्टिफिकेट हासिल कर लें, ये आपके लिए एक अच्छा चांस होता है। जब भी मेरी जून जुलाई की छुट्टियां होती थी मैं ऐसे ही करती थी, कभी किसी सेंटर एडमिशन, कभी किसी सेंटर एडमिशन, और इस तरीके से मेरे काफ़ी सारे कोर्सेज किए हुए और मेरे पास काफ़ी सारे सर्टिफिकेट्स हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ सर्टिफिकेट की वजह से नहीं, काफ़ी कुछ आपको सीखने को भी मिलता है, तो उससे भी आपको जो है वो नॉलेज में इजाफा होता है और आगे आपके लिए वो चीज़ें हेल्पफुल ही होती हैं। अगर आप जॉब कर रहे होते हैं या ना भी कर रहे हो, वैसे भी आपके लिए हेल्पफुल होती है। अगर आपसे कोई कुछ पूछ लेता है या किसी को कुछ बताना होता है तो एटलीस्ट आपको पता होता है। तो मेरी सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपना टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, कुछ ना कुछ अपने लिए डिसाइड करके रखें आफ्टर एग्ज़ाम्स। और बस यही मेरा, मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि आज का व्लॉग था, और ये अभी जो आप सामने प्लेट देख रहे हैं ये मेरी ही प्लेट है, मैं सबसे पहले कबाब पराठा खा रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था तो, और भूख भी बहुत लग रही थी, और सबसे ज़्यादा तो मैंने पानी पिया था, एटलीस्ट हमने 5 से 6 बॉटल्स पानी की खरीद ली थी उस दिन, क्योंकि प्यास इतनी लग रही थी गर्मी की वजह से। बस गर्मियां हैं, अपना ख्याल रखें, ठंडी ठंडी चीज़ें खाएं, ज़्यादा धूप वगैरह में निकलने से अवॉइड करें, बिना मतलब के ना निकले बाहर।
तो बस यही जो है वो मेरा 4 डे का ईद का व्लॉग था। आई होप आपको मेरी ईद की सीरीज़ अच्छी लगी होगी। इसके बाद भी बहुत कुछ होने वाला है, तो वो सब चीज़ें भी आपके साथ शेयर करनी है इंशाल्लाह। बस चैनल के साथ बने रहें, अच्छे अच्छे से कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। इंशाल्लाह फिर मैं आप लोगों से इसके बाद किसी और अच्छे से व्लॉग में मिलती हूँ। मुझे आपसे काफ़ी सारी चीज़ें शेयर करनी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।